जो पहला क्वेश्चन पूछा था HPGK का, तो वो था हिमाचल प्रदेश में मोंक फल की शुरुआत के लिए सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर सही कथन होना था सी, क्या है CSIR IHBT इन कुल्लू, तो ठीक है ना, ये मोंक फल के लिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में किसके द्वारा 8 मार्च 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वीरांगना स्मारिका जारी की गई। तो यहाँ पर सही होना था सी, गवर्नर के द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होना था सी, शिपी का दर्रा। अगला क्वेश्चन है हिमालयन पिलग्रीम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक होगी बी एन दत्ता की, यहाँ पर डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रेट हिमालयन पार्क कुल्लू को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना था तो ये ना था 2014 को। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 6 जनवरी 2020 को, सही विकल्प बी होगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये हो जाएगा 1400 से लेकर 4100 मीटर, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में से किस कुल्लेर शासक को शाहजहां द्वारा शेर अफगान के रूप में नामित किया गया था या उपाधि दी गई थी। तो सही विकल्प होगा सी, मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में पदक जीतने वाले हिमाचल प्रदेश राज्य के पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये थे पीयूष शर्मा, सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो 2020 में टोक्यो में राष्ट्रीय पहला ओलंपिक हुआ था उसमें किसने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था, तो थे निषाद कुमार, इसी को भी याद रखिएगा, ये सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना।